हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबो फैशन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेबो बेबी क्रोकेट बेबी फ्रॉक सारे डिज़ाइंस आइडियाज़ और बेबी क्रोचेट शूज़ जो आपको यकीनन पसंद आएंगे। इस को आप क्रोशिया की मदद से तैयार कर सकते हैं। क्रोशिया आप आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है क्रोशी पर काम करना और बहुत जल्दी जल्दी फ्रॉक बन जाता है। इस आप इस डिज़ाइन में से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आ जाता है तो आप वो इमेज ले तो आप इसको ऑर्डर पर भी बना सकते हैं जिसको क्रोशिया का काम आता हो। और ये सर्दियों के लिए बेहतरीन ड्रेस होती हैं और कम बजट में आ जाता है। ये फुल सेट भी बना सकती हैं आप, कैप, शूज़, हेयर बैंड, फ्रॉक वगैरह। और आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ फ्रॉक बनाना चाहते हैं या फुल सेट या फ्रॉक वगैरह। आप नीडल की मदद से भी बना सकती हैं। आजकल तो ये फैशन मशीन आजकल तो ये मशीन से तैयार की जाती हैं क्योंकि आज का ज़माना बहुत ही मसरूफ़ हो गया है कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि ये फ्रॉक नीडल की मदद से बनाए जाए। तो ये ज़्यादातर या तो क्रोशिया से बनाए जाते हैं या फिर मशीन की मदद से तैयार किए जाते हैं। तो यकीनन ये मेरे आइडियाज़ व्यूवर्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस फ्रॉक में से कुछ फ्रॉक पर ये ऊपर ब्लोरा जैकेट बनाई गई है। इस जैकेट को आप बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसमें से कुछ रम पर है, इसका तरीका भी बहुत ही आसान होता है। तो व्यूअर्स ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश फ्रॉक आइडियाज़ हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से आइडियाज़ कलेक्शन हैं। और ये ऊन से ये फ्रॉक ज़्यादातर ऊन से बनाए जाते हैं और इसमें बहुत ही कम ऊन खर्च होता है। और ये इसकी कलर देखकर आप अपने लिए अपने बेबी के लिए ये जो ऊन चूज कर सकते हैं। इसकी कलरिंग देखकर बहुत ही खूबसूरत से कलर है इसमें और ये बहुत ही आसान होता है इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।